नमस्कार मित्रों, इस वक्त शनिवार दोपहर के 3:15 बजे मैं अपने घर से बोल रहा हूँ और मेरे साथ आपको एक शख्सियत से मिलवाता हूँ जो बहुत ही आप उनको सुन चुके हैं रेडियो पे विविध भारती से राष्ट्रीय प्रसारण में, और आपको एक उनकी स्टाइल याद होगी। कुछ कुछ जाने कुछ अनजाने गीत पुराने लेकर हम हाजिर है भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में। तो वो शख्स अशोक सोनावणे जी इस वक्त मेरे साथ है और थोड़ी बातचीत हमें यादगिरी के रूप में, हमारी मुलाकात की यादगिरी के रूप में करना चाहते हैं। ये संपूर्ण इंटरव्यू नहीं होगा, इतना मैं आपको बता देता हूँ। तो अशोक जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी, और सभी दर्शकों को जो इस वक्त देख रहे हैं उन सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और पीयूष भाई के साथ मेरा रिश्ता बहुत पुराना है, और उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ सूरत में आऊं, तो उनके बुलावे पर, बार बार उनके बुलावे पर मैं आज हाजिर हो गया हूँ। मेरे दिल में खलिश जरूर रह गई है, क्योंकि कृष्णकांत जी से मिलने का बड़ा मेरा मन था, जो कि आज इस दुनिया में नहीं है। एक महान कलाकार अपने जमाने के, हिंदी गुजराती प्लेज और मूक सिनेमा से जिन्होंने अदाकारी की शुरुआत की, नाटकों में रंगमंच, गुजराती रंगमंच और हिंदी फिल्म, जैसा कि आप जानते हैं कृष्णकांत जी को बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया, और दो एक गाने उन पर जो फिल्माए गए हैं वो हम कभी नहीं भूल सकते हैं। तो मेरी बड़ी तमन्ना थी कि मैं उनसे मिलूं, हालांकि फोन पर तो जरूर बात हुई, लेकिन रूबरू मिलने का यहाँ इस सूरत की पावन धरती पर आकर उनसे मिलने का बड़ा दिल था, पर हर ख्वाहिश इंसान की पूरी नहीं होती। मुझे कहते हुए बहुत गर्व होता है और आनंद होता है कि अशोक जी ने जब भी कृष्णकांत जी की जन्म दिन आता था और उनकी ड्यूटी लगती थी, वो भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में उनको जरूर याद करते थे और बधाई देते थे और उनको फोन करके भी बधाई देते थे। और दूसरी बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एनोक डेनियल साहब का जो इंटरव्यू विविध भारती पर उन्होंने किया था, पियानो एकॉर्डियन वादक, बहुत फिल्म भारतीय फिल्म संगीत के महान म्यूजिशियन, तो वो उन्होंने किया था। और उसमें मुझे एक आनंद है कि वो दोनों के बीच में संपर्क कड़ी में बना सही बात है। था। और यहाँ तक कि उनके पास, विविध भारती के पास जो उनकी विशिष्ट धुनें कभी नहीं थी वो भी मैंने प्रोवाइड की थी। जैसे कहता जी, है जोकर का जो सेक्सोफोन का वो भी, हास्य वाला वाली धुन थी वो। और जैसा कि आप सभी जानते हो, पीयूष भाई की महारत है फिल्मी जो धुने। एक जमाना हुआ करता था, एक और अनेक में साज और आवाज में, बल्कि ये धुने बजा करती थी, तो उनको आज भी वो प्रोग्राम उनके दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। और कई ऐसी नायाब धुने हैं, डी राम राजा की यही धुन मुझे याद जो है कि इसके सही कारण आप बात, मेरे फैन बने थे, ऐसा मैं आपको क्योंकि बिल्कुल ये जमाना ऐसा था साजो रवाज सूरत शुरू में ही बंद हो गया था। तो शहनाज अख्तर जी ने साजो रवाज में एक बड़ी पुरानी रिकॉर्ड निकाल के बजाई थी जिसमें एक गाना था, दीवाना मुझको लोग कहे जल तरंग पर डी डी रिजराम की। रहता तो मैंने उनसे ये धुन उनको बोला कि भाई ये धुन तो मैंने इसमें सुनी, रिकॉर्ड भी किए, मैंने बोला नहीं था लेकिन मैं जानता कि रिकॉर्ड मैंने किए, तो कोई और धुन मिले तो कितना अच्छा इस रिकॉर्ड से। तो मैंने पसंद की थी फर्ज फिल्म की, पर हम तो तेरे आशिक के सदियों सदियों पुराना पुराने। तो जी, वो धुन पहले बातचीत में तो उन्होंने सब शांति से सुन लिया एक एक, लेकिन उनको जब रिकॉर्ड ढूंढी तो उनको ताज्जुब हुआ कि भाई ये तो बड़ी पुरानी चीज है, उन्होंने ढूंढ निकाली, दिल में रखा उन्होंने। और ये धुन बजाई तो उसी दिन मुझे याद है कि छाया गीत का भी उनका उसी दिन के प्रसारण के लिए रिकॉर्डिंग होने वाला था, तो उसमें भी उन्होंने 2 दिन उसमें से जो ब्रेक आते हैं उसमें बजाई। तो मुझे लगा कि ये तो मेरे पक्के फैन बन गए यानी क्योंकि हम ज्यादातर मीडिया वालों के फैन बनते हैं,
श्रोताओं के फिर ये लोग बने थोड़ी आनंद की बात होती है। नहीं, क्या होता है ना कि श्रोता और उद्घोषक एक ऐसा रिश्ता है, ये जैसे कहते हैं ना कि एक ही कॉइन की दो साइड्स हैं। अगर हमें कोई सुन नहीं रहा है तो बोलने का कोई तात्पर्य नहीं होता, कोई मजा नहीं होता उसका, जब तक कि आपको फीडबैक नहीं मिलता। हमेशा मैं इस बात का बड़ा पक्षधर रहा हूं कि पहले मैं एक सामयिन के रूप में अपने आप को, मतलब एक श्रोता के रूप में अपने आप को रखता हूँ, और उसके बाद मैं उद्घोषक हूँ। तो ये जो एक रिश्ता है, ये बड़ा नायाब रिश्ता है, क्योंकि हम एक दूसरे के होते हैं, और ये एक ऐसा रिश्ता है जिसे डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उतना ही आसान भी। ये कह सकते हैं हम कि एक छोर पर श्रोता है, दूसरे छोर पर उद्घोषक। तो मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश रही कि मैं अपने श्रोताओं को, अपने सामीन को मिलूं, उनके नजरियात जानूं, उनके दृष्टिकोण, उनका संगीत के बारे में उनका क्या नजरिया है, ये जानने की मेरी बड़ी हमेशा से ही एक दिलचस्पी मुझ में रही है। और जब मैंने देखा कि पीयूष भाई में वो सारी बातें हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं म्यूजिक के साथ मेरा जुड़ाव बहुत पहले से है, रहेगा जिंदगी भर। तो इन्होंने फिल्म संगीत के जो रिकॉर्ड्स हमारे यहाँ है, डी रिजराम की वो जो धुन अभी जिसका कि इन्होंने जिक्र किया, एक छोटी सी रिकॉर्ड थी विविध भारती के पास, ईपी रिकॉर्ड जी, चार गानों की, हाँ, बाकी तो एलपी रिकॉर्ड्स हुआ करते थे बड़े बड़े, लेकिन ये डी रिजराम की रिकॉर्ड ईपी थी। और हमारे यहाँ एक शंकर येगेडी वहां लाइब्रेरी में काम करते थे, आजकल वो नागपुर में है, अपने मतलब उनका जो पैतृक गांव है वहां वो चले गए। तो उस लाइब्रेरियन को इतना शौक था कि मैंने कहा मुझे ये रिकॉर्ड चाहिए, आप ढूंढ के दो। आज मैंने एक कॉल रिकॉर्ड किया है और उसके एवज में मुझे वो गाना सुनाना है उन्हें। मैंने अभी तक उनको ये बताया नहीं है कि मैं ये गाना दूंगा या नहीं, तो उन्होंने भी खोजबीन की और उस छोटी सी रिकॉर्ड को इतनी बड़ी लाइब्रेरी से खोज निकाला। तो शंकर यज्ञेडी को भी ये श्रेय जाता है। पीयूष भाई से मैंने मिलवाया है उस शंकर से, मैं एक बार आया था मुंबई, तो जी ये धुन के बाद आया था मैं, जी जी के बाद। लेकिन ये चीज है कि इतनी मेहनत करने वाले हर लोग नहीं होते इस मीडिया में, नहीं तो कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जो अनजान गाना देखा तो उसको काट दिया। चालू चिला चालू गाने हर रोज कोई परमेश करते उनको बचा दिया, ये भी चलता है। सही बात है, क्योंकि कहते हैं ना कि जो चलता है वही चलता है, और जो किसी के सामने नहीं आया तो वो वैसा ही ढका हुआ रह जाता है। जिसको कहते हैं ना कि कोई पल है और वो ढका हुआ रह जाए तो पल का कोई, ये दोनों प्रोग्राम हेलो आपके नौरत पर और हेलो फरमाइश, शुरू शुरू में जब शुरू हुए थे तो श्रोताओं से इन्वॉल्वमेंट, श्रोता कल्पना भी नहीं कर सकता इतने वो लोग श्रोताओं के साथ इन्वॉल्व होते थे। लेकिन आज ये थोड़ा सा कुछ लोगों में बचा है, कुछ लोगों ने ये छोड़ दिया है ऐसा लगता है। इसकी वजह भी कुछ ऐसी है कि पहले हम लोग कॉल रिकॉर्ड करते थे और आप ही एडिटिंग करते थे, हम ही एडिटिंग करते थे और जो गाने या जो भी वो हम ही लगाया करते थे, यानी ए टू जेड काम हम ही किया करते थे। तो साथियों का ये एक राय बनी कि भाई हम ही सारा कुछ क्यों करें। जो लोग इसके लिए क्रेडिट लेते हैं कि इस प्रोग्राम के, हाँ, तो उनसे भी कुछ काम करवाया जाए। तो इसकी वजह से अब ये एक खाना पूर्ति की तरह हो गया है, दुर्भाग्यवश ऐसा कहना पड़ता है कि एक खाना पूर्ति जैसा हो गया, इसलिए, वरना पहले तो हम तमाम बातें करते थे श्रोताओं के साथ और उनकी जबान में बात करते थे। जैसे गुजराती हुए तो कुछ एक शब्द हम गुजराती बोल लेते थे, थोड़ी सी बातचीत वैसी होती थी, पंजाबी अगर कोई है तो उनके साथ पंजाबी बात होती थी। मतलब ये कि देश भर का एक जायका हमें बातचीत का मिल जाया करता था और बड़ी मजेदार बातें होती थी, और एक ही प्रोग्राम में पूरे देश का एक तरह से जायका मिलता था। आजकल हुआ ये है कि खाना पूर्ति की वजह से 10 कॉल हुए कि
रिकॉर्डिंग बंद, रिकॉर्डिंग बंद, पहले अच्छे अच्छे कॉल लिए जाते थे, बाकी बिल्कुल जिला उनका चालू चुनाव, उड़ा दिए जाते थे, उनका चुनाव चुनाव आप ही लोग करते थे। जी हाँ बिल्कुल, और उसमें कमल शर्मा जी की भी मेहनत काफी रहती थी, मुझे याद है। हाँ, वो तो हमारे वरिष्ठ और वैसे भी बहुत ही प्यारे साथी और डूब के काम करने वाले, हमारे लिए एक आदर्श थे वो। ये अपने टाइम के उपरांत भी काम करते थे वो, बिल्कुल अपने समय गुजर जाने के बाद दिन भर का उसके बाद भी काम करते थे, एक लगन हुआ करती थी, एक जुड़ाव था इतना, एक कशिश हुआ करती थी, और प्रोग्राम बनाने में एक नशा सा एक आता था सुरूर सा। अभी मैं आपकी उर्दू बहुत अच्छी है ऐसा मुझे, मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ, हमारे सूरत में साहित्यकार थे अभी डॉक्टर भगवती कुमार शर्मा, गुजराती के बहुत जाने माने साहित्यकार रहे थे, तो वो रेडियो के भी अच्छे श्रोता रहे थे, तो उन्होंने भी एक वक्त मेरे सामने जिक्र किया था कि अशोक सोनावणे जी उर्दू बहुत अच्छा बोलते हैं, खासकर गजल के कार्यक्रम गुलदस्ता में आपकी जबान वो तुरंत पकड़ते थे। मैं तो एक छोटा सा जर्रा हूँ जमीन का, पर कोशिश मेरी जरूर ये रही है और ये खुदादाद ही रहा है, मैं प्रयासरत जरूर रहा। खासकर कृष्णकांत जी की जन्मदिन पर आप जो अनाउंसमेंट करते थे, बधाई देते थे, तो ये उस दिन भी मुझे बता दे कि आप बहुत अच्छा काम किया अशोक जी ने। अच्छा, बट मेरा तो ये परम भाग्य रहा कि मैं जो कुछ अपनी तरफ से करता रहा, लेकिन एक खलिश, एक ख्वाहिश दिल में रह गई, क्योंकि कृष्णकांत जी को मैंने जब पहली बार दो रास्ते फिल्म में मैंने उनको देखा था, तो यूं लगा जैसे कि ये एक जिंदा किरदार है, और उस फिल्म ने मैं, मुझे तब उनका नाम भी नहीं पता था, काफी सालों बाद मुझे पता चला कि ये कृष्णकांत जी है, पतिता फिल्म अब वो जो गाना है, पुरानी फिल्में बाद में देखी। हाँ जी, और कई एक फिल्मों में उन्होंने जो अदाकारी के जोहर दिखाए हैं, तो गजब के कलाकार थे, और मैं उनसे बातचीत कर सका, बस इतना ही अपना भाग्य समझता हूँ, मैं उनसे नहीं मिल सका, ये खलिश हमेशा से। आपने एक बार मुझे कहा था माओ सरगन आप सीख रहे, वो कहाँ तक सीखे, इस पर लाया हूँ, लाया थोड़ा सा एक लाइन बजा दीजिए। क्योंकि ये हमारा दोनों का समान शौक है। प्रोग्राम में बजाएंगे। अच्छा ठीक है, तो अभी एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप इस प्रसारण की, श्राव्य प्रसारण की दुनिया में आए कैसे? तो सवाल मुझे सबसे पहला पूछना चाहिए था, वो अभी इतनी सारी बातचीत हो जाने के बाद। भाई कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। अब जहां जिस बस्ती में मैं था और जिस दौर में मैं, जिसको कि हम संस्कार क्षम उम्र कहते हैं, यानी एक 7-8 साल की उम्र, वो दौर कुछ ऐसा था कि संगीत चारों तरफ छाया हुआ था, और साथ ही साथ बोलने वाले इतने बढ़िया हुआ करते थे, तो उनका जो अंदाज हुआ करता था, उनकी जो बातचीत का एक तरीका होता था, ये हर किसी को मतलब अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही रहा, हालांकि घर में बहुत ही गुर्बत होने की वजह से रेडियो तो था नहीं, लेकिन रेस्टोरेंट में, दुकानों में, मकानों में रेडियो यूं बजा करते थे उस जमाने में, आज से 50-55 साल पहले की बात मैं बताऊं, कि हर कोई आराम से सुन लेता था, रास्ते में जाते जाते पूरा गाना पूरा सुन लेते थे, चलते चलते। जी जी, ऐसा वो दौर था, और संगीत मतलब मैं कह सकता हूँ कि व्हेन मेलोडी वाज क्वीन, मेलोडी वाज क्वीन, वो वही दौर था कि मेलोडियस गाने बनते थे, और मेलोडी वो जिसको कि हम गुनगुनाते, और रिदम बेस गाने जब से आने लगे, जिसकी वजह से मेलोडी थोड़ा सा पीछे रह गई, बीच बीच में ऊपर आती रहती है, क्योंकि मेलोडी तो अमर्त्य है, वो कभी मर नहीं सकती है,
और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रिदम बेस गाने जब तक रिदम है तब तक उनका असर हमारे दिल पर तारी रहता है, बाकी समय तो जैसे ही रिदम खत्म उसका असर अभी एक लास्ट सवाल पूछता हूँ। मैंने ये बताना तो मैं भूल ही गया क्योंकि वो जो बोलने वाले थे उनका जबरदस्त वही मैं पूछ रहा था कि आपको जो अभी याद रहे सब, शायद सब याद नहीं है, किसी को अन्याय भी हो जाए फिर भी थोड़े नाम जो आपको याद रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल भारती के, सिरोन के या एडवर्टाइजिंग के, तो वो नाम आपको थोड़ा। मुझे जो रेडियो कार्यक्रम किया करते थे उन दिनों, आप जानते हैं उन दिनों रेडियो कार्यक्रम आया करते थे, तो हसन रिजवी साहब फिल्म आई थी तुम हसी मैं जवान, धर्मेंद्र साहब उसमें हीरो थे, तो बिल्कुल हसन रिजवी साहब बहुत मुझे अच्छे लगते थे, और बड़े ब्रिज जी जिनको की प्यार से हम सब कहते हैं ब्रिज भूषण, जिनकी आवाज उसे मिलने का मौका मुझे मिला है, आपको भी मिला होगा विविध जी, 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 जी। कमल जी जब जी ने उनका इंटरव्यू किया था तो मैंने उन्हें सलाम पेश किया था, तो ये इतनी बड़ी शख्सियतें थी। उसके अलावा बाल गोविंद श्रीवास्तव जी थे, कमल बारोट जी एक रेसिपी का प्रोग्राम किया करती थी, 100 ग्राम पीसी हुई लाल मिर्च, मुझे आज भी याद है, तो गुजराती में हिंदी में करती, हिंदी में करती थी हाँ। और बाल गोविंद श्रीवास्तव उसके प्रोड्यूसर बॉम्बे के लोकल विविध वादी पे आता होगा जी जी, ये सीबीएस बॉम्बे जिसको कि आजकल हम बोलते हैं, तो उनकी भी बड़ी टिपिकल आवाज थी बाल गोविंद श्रीवास्तव जी की। ये ट्रांसमिशन पहले विक था 243.9 मीटर जी जी जी, इसीलिए हम सूरत में पूरा सुना नहीं कर सकते। ओ हो अच्छा, इसीलिए हमारा प्रोग्राम मिस हुआ होगा, बाकी बाद में 252.9 पे हुआ तब सुनाई देने लगा एक पर, तो अब ये ट्रांसमिटर उनका पावरफुल हुआ और इधर थोड़ा अच्छा आने लगा, तो उसके कारण इधर जो विविध भारती के कमर्शियल स्टोरेज जानते नहीं थे वो लोग पूरा वो विदाउट कमर्शियल विविध भारती भूल गए, ऐसा हुआ था। और कमर्शियल्स का बड़ा इसमें हिस्सेदारी है कि लोगों के दिलों दिमाग पे वो छाए, और इसमें जैसे कि मैंने बताया बाल गोविंद श्रीवास्तव जो थे वो प्रोड्यूसर भी थे, उनके उनका अपना स्टूडियो था एसी मार्केट वन में बॉम्बे सेंटर के पास, तो मैं उनको मिला भी बाद में, उनकी भी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती थी, कमल बारोट जी जब बोलती थी, हालांकि उनका गाना हंसता हुआ नूरानी चेहरा वो गाना तो मकबूल हुआ, लेकिन साथ ही साथ वो बहुत अच्छा बोलती भी, उसमें भी मेरा हूँ मैं, तो वो अट्रैक्ट करता था। और जैसे कि हसन रिजवी साहब थे और अपने बड़े बड़े जी ब्रजभूषण साहब, उनकी आवाज मुझे पसंद आती थी, प्रताप शर्मा इंग्लिश के जबरदस्त एक बोलने वाले थे, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता था, उनका जो अंदाज था अंदाजे बयान था मुझे बहुत अच्छा लगता था, पर चूंकि गुर्बत थी घर में रेडियो नहीं था कोई साधन नहीं थे, कभी कभार ही उनकी आवाजें कानों पे गिरती थी और कानों पे पड़ती थी। एक दो नाम मैं आपको याद दिलाता हूँ, एक तो अमीन सयानी साहब को तो कोई भूल ही नहीं सकता, अमीन सयानी साहब जब भी याद आते हैं तो याद आता है बिना का गीत माला, और बिना का गीत माला के साथ साथ उनका वो सरताज बिगुल और बहुत सारी बातें, और साथ ही साथ अमीन सयानी साहब ने तो जैसे कि इस पर आइसिंग ऑन द टॉप जिसको कहते हैं ना आइसिंग ऑन द केक वैसा किया, परिभाषा ही थोड़ी उन्होंने चेंज कर दी बिल्कुल, बल्कि हम लोगों में तो यूं हुआ करता था कि अगर अमीन सयानी साहब कमेंट्री करें तो कैसा करेंगे, तो हम वो करते थे कि गावस्कर आए हैं मैदान में पहने हुए सफेद सफेद फ्लॉपी पनामा कैप उन्होंने लगाया हुआ है, और वो चले इमरान हमसे दूर भागते हुए, और गावस्कर ने अपना दायां पैर बाहर निकालते हुए क्या बेहतरीन शॉट खेला है बहन और भाइयों। और एक नाम और दिलाते हैं हम याद में, गोपाल शर्मा जी का, गोपाल शर्मा जी मुझे याद आते हैं HMV के सितारे, HMV के सितारे सुनने वालों को सभी HMV के सितारे सुनने वाले सभी श्रोताओं को गोपाल शर्मा का नमस्कार। ये प्रोग्राम उन्होंने कम समय किया था, ये विजय किशोर दुबे जी जब कुछ समय के लिए फॉरेन गए थे, अच्छा, तो ये प्रोग्राम उनको मिला था, विजय किशोर दुबे जी उनको लेके गए थे, बहुत ही शानदार आवाज उनकी, और मतलब स्पष्टता जितनी
उनकी आवाज में थी, उनके बोलने में थी, जो खनक उनके बोलने में थी, और स्पष्टता जैसे मैंने कहा क्रिस्टल क्लियर हुआ करता था। सादगी भरा पर सुंदर स्टाइल, बिल्कुल दिल पर छा जाता था। और भी कई ऐसे उद्घोषक प्रोनाउंसिएशन, उनके उच्चारण बहुत सुंदर थे। जी जी और भी थे कई ऐसे आवाज की दुनिया के वो जाने माने नाम जिन्होंने हमें बहुत मुतासिर किया, प्रभावित किया, और कभी नहीं सोचा था कि रेडियो में आएंगे, लेकिन विनोद शर्मा साहब, विनोद शर्मा जी, उनकी बदौलत मैं रेडियो में हूँ और रेडियो में था। अच्छा। जी उन्हीं की खोज हूँ, वरना मेरा तो ना तो ग्रेजुएशन में हिंदी था ना मास्टर। अच्छा, क्या बात है। जी उनसे ही बातचीत करते हुए मैंने कई बातें उनको ऐसी बताई कि बोले नहीं तुम्हें तो यहाँ होना चाहिए। तो विद्यार्थी में सिलेक्शन इसके भी कैसे हुआ, ये लोग जो आज तो उस टाइम जो क्राइटेरिया नहीं था उसमें। नहीं उन दिनों क्राइटेरिया नहीं था, और बस यही देखा जाता था कि आप कितना अच्छा बोलते हो, कितनी स्पष्टता है, और बगैर किसी संदर्भ। एक नाम और मुझे याद आता है, सिल वर्मा जी, जिनके स्थान पर आप आए थे। जी हाँ बिल्कुल, आपने मेरी याद को बिल्कुल ताजा कर दिया। सील वर्मा साहब विविध भारती के सबसे पहले मुंबई से अनाउंसर। जी हाँ, राष्ट्रीय प्रसारण में, और बहुत 3 अक्टूबर 1957 के दिन तलत महमूद साहब जैसी शख्सियत थी उनकी, और इतने मीठे थे, बहुत ही मिलनसार। और उनको एक दूसरा श्रेय हो जाता है कि गोपाल शर्मा जी को सिलोन में दाखिल करवाने में उनका बहुत हक था। बिल्कुल, जी अपने पोस्ट छोड़ने के लिए दूसरे को तलाश कर रहे थे, तो पहले उन्होंने सिल वर्मा जी को पकड़ा था, तो सिल वर्मा जी ने ना बोला कि इसकी जगह आप गोपाल शर्मा जी को ले जाइए। क्या बात है, ये बिल्कुल कई बार गोपाल शर्मा जी ने अपने बुक में भी लिखा है, अपने आत्मकथा में। अच्छा, तो शील जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, हम लोग पकौड़े बहुत पसंद करते थे। तो कहते थे कि अशोक तुम लोग खाओ, मैं भी खाता हूँ, मैं घर पे खाता हूँ। तुम्हारी भाभी मुझे पेपर में लपेट के उसका तेल निकाल कर निचोड़ के फिर देती है, आप लोग लेकिन खाओ, पकौड़े खाओ। बहुत अच्छा बोलते थे, बहुत ही प्रभावशाली उनका व्यक्तित्व था, और बहुत मिलनसार थे, मैं उनको बहुत याद करता हूँ। हमारे हमें एक प्रोग्राम पे और जाना है, हाँ जी, के लिए, तो इस वक्त हम अधूरी बातचीत को इधर ही समाप्त करने की श्रोता दर्शकों से अनुमति चाहेंगे, तो सबको नमस्कार, मेरी फिर मिलेंगे शायद, जरूर शायद मुंबई जाऊंगा तो मैं फिर उनसे मिलूंगा, ऐसा हो सकता है क्योंकि वो भी बोरीवली में रहते हैं। जरूर, नमस्कार, धन्यवाद धन्यवाद।